नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वे सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका स्क्रूटनी में नाम आया है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी का होगा काउंसलिंग, जिसका भी स्क्रूटनी में नाम आया है वे सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो हम अभी बताने जा रहे हैं वे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइव खत्म होते ही सारा डाटा इकट्ठा किए हैं, वकील से भी बातचीत किए, वकील क्या कहा है, कैसे केस करना है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, जो क्या डाटा इकट्ठा किए हैं, वकील से बातचीत किए, वकील क्या कहा है, कब केस करना है, सभी जानकारी देंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारा डाटा हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे जो वकील से बातचीत किए तो वकील क्या कहा। आप वीडियो में बने रहिए, पहले एक एक करके जो डाटा हम इकट्ठा किए हैं सारा डाटा देख लीजिए। 24/7/2018 की यह नियमावली है, यह डाटा पहले आप देख लीजिए। सभी डाटा को हम इकट्ठा किए हैं, सुबह से यही किए हैं, कब जब लाइव आपका खत्म हुआ है उसके बाद सारा हम डाटा इकट्ठा किए हैं, उसके बाद वकील से बातचीत किए, वकील क्या कहा। सबसे पहले आप डाटा देख लीजिए, यह 2018 के डाटा है, देख लीजिए। सारा नियमावली ही आपको पहले दिखाएंगे, चलिए अब दूसरा नियमावली दिखाते हैं। देख लीजिए आप 2018 का नियमावली है, चलिए दूसरा नियमावली हम आपको दिखाते हैं। आप सोचते होंगे पीएचटी की क्लासेज वाले घर बैठे ही सब कुछ करते हैं, घर बैठे ही हर चीज़ हम सही में करते हैं। देख लीजिए 2015 का यह नियमावली है, सुबह से हम डाटा ही इकट्ठा किए, सारा नियमावली हम इकट्ठा करके उसके बाद वकील से बातचीत किए, सभी नियमावली हम उनको दिखाए हैं, उसके बाद भी 2023 का भी नियमावली दिखाए हैं। तो ये 2015 का नियमावली, पहले सब कुछ आप देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे जो वकील क्या कहा है। ये देख लीजिए 2015 का नियमावली है, देख लीजिए। अरे आपके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, आप ही के लिए करते हैं ये सब। चलिए आप दूसरा नियमावली हम आपको दिखाते हैं, देखिए यह बिहार सरकार का जो गजट है, असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 2014 का यह नियमावली है, देख लीजिए आपके सामने में। यह जो है आपका 2014 का नियमावली है, पहले 2018 दिखाए, 15 दिखाए, अब 2014 का नियमावली देख लीजिए। सारा नियमावली हम इकट्ठा किए जो कि आपके सामने है, सारा नियमावली हम आपको दिखा रहे हैं, यह देख लीजिए 2014 का नियमावली। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए 2012 का नियमावली है, पहले 18 दिखाए, फिर 15 दिखाए, 14 दिखाए, और ये 2012 का नियमावली है। सुबह से हम इकट्ठा किए, सारा नियमावली को हम इकट्ठा किए, देख लीजिए सुबह से। उसके बाद वकील, किसी वकील से बातचीत करेंगे तो सारा चीज़ उसको दिखाइएगा, तभी तो उसको समझ में आएगा। तो देख लीजिए, यह देख लीजिए ऊपर में जो यह नियमावली कब का है, 2012 का नियमावली। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए ये 2016 का नियमावली है, यह 2016 का नहीं, 5वां नियमावली हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2016 का नियमावली है। जब कोर्ट में जाएंगे तो ठोस के साथ जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग जीत पाएंगे। यह 2000 देख लीजिए 2016 का नियमावली है, पहले सारा नियमावली हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे जो वकील क्या कहा। देखिए यह आपका है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए जो रोल नंबर वाइज दिया गया है उसका देख लीजिए, है सारा से पहले डाटा देख लीजिए। और बिहार गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बीटीएससी अगर कोर्ट में केस करते हैं तो काउंसलिंग के लिए डेट दे दिया जाएगा, हम लोग कोर्ट में केस जीतेंगे। और आंदोलन भी करना है, आंदोलन यही चाहिएगा नहीं होगा, आंदोलन भी आप करना है। तो देख लीजिए 5 से 6 हम आपको नियमावली दिखाए, 2000 देख लीजिए, यह नर्स का है जो रोल नंबर वह जो है काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किया गया था, यह लिस्ट है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आप और आपको दिखाते हैं, आपके सामने हम सारा चीज़ है। ये तो कल ही आप नोटिस देख लिए थे, फैसला बिहार में लिखित परीक्षा से अब होगी एनएम की बहाली, तो कल ही आप देख लिए थे, कल शाम ही विभाग ने नोटिस जारी कर दिया था। तो चलिए आप बात करते अब वकील क्या कहा। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखना है सीरियल नंबर 21, इसका सेकेंड पढ़ना है। ऐसा निष्कर्षण के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को
प्रविष्ट थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी। इसका कहना यही हुआ, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सीरियल नंबर 21 के सेकेंड के अनुसार स्क्रूटनी हो गया का मतलब एग्जाम हो गया, अब आगे की प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसका कहना यही हुआ, जो जब विभाग स्क्रूटनी करवा लिया तो अब सिर्फ यही है, जो स्क्रूटनी हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, और जो इसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 21 के अकॉर्डिंग हम आपको बताते 2018 के नियमावली के अकॉर्डिंग, आपको 2018 के नियमावली के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 21 के सेकेंड नंबर का भी हम आपको सुनाए। इसका मतलब हुआ जब स्क्रूटनी हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए स्टूडेंट को। चलिए आगे पर सुनाते आगे क्या है। आप सीरियल नंबर 10 देख लिए, जो 2018 का विज्ञापन संख्या क्या कह रहा है, विज्ञापन संख्या 07/2022 NMBTC के सीरियल नंबर 10 के अनुसार विज्ञापन के अंतिम डेट के बाद फेरबदल संशोधन नहीं होगा, तो बिहार सरकार को एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, अंतिम उपाय कोर्ट है जिसमें हम लोग जीत जाएंगे और सरकार हार जाएगी। मतलब इसका अकॉर्डिंग कह रहा है जो 2022 में विज्ञापन संख्या 07/2022 में जब दिया हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पढ़ सकते हैं 10 में दिया हुआ है, देख लीजिए आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है जब विज्ञापन के अंतिम तारीख तक ही आप संशोधन कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हर चीज़ कर सकते थे। जब संशोधन जब अंतिम तारीख खत्म हो गया, स्क्रूटनी हो गया, हर चीज़ हो गया, तो ज़बरदस्ती आप एग्जाम इसमें लगा रहे हैं, एक ही उपाय है कोर्ट में, अगर आप लोग केस करते हैं तो केस जीत जाते हैं। तो सारा नियमावली हम वकील से दिखाए, वकील से बातचीत कीजिए, जो कि पटना के जाने माने वकील हैं, उनसे हम बातचीत किए हैं, तो वह बोले हैं देखिए यूनिटी में रहिएगा तभी हो पाएगा। जैसे 49,000 स्टूडेंट हैं, अगर 49,000 स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करते हैं, BTSU ऑफिस के घेराव करते हैं, तो उसके बाद और आप लोग कोर्ट में केस करते हैं तभी आप लोग जीत पाइएगा। आप 200-500 कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे देख लीजिए कृषि बिल वापस सरकार लिया, क्योंकि यूनिटी था उन लोग को, यूनिटी एक साथ उन लोग कोर्ट में केस भी किया था और धरना प्रदर्शन भी उन लोग कर रहे थे, इसीलिए वापस हुआ उन लोग का कृषि बिल। यही आप लोग का भी काउंसलिंग होगा, हर चीज़ होगा। अगर आप लोग 49,000 स्टूडेंट या मान लीजिए 40,000-30,000 स्टूडेंट भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं लगातार पटना के अंदर, उसके बाद ही आप लोग जीत पाएंगे, नहीं तो कम उम्मीद है। 200-400 अगर आप लोग कहिएगा जो धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे आप देख लिए गर्दनी बाग में जो 30-40-50 आदि NM कर्मी बैठे हुए, तो उससे कुछ हुआ, विभाग एग्जाम लगाइए दिया, तो इसलिए बोले धरना प्रदर्शन भी आप लोग को करना जरूरी है, और जितना चीज़ आप हमें बताए हैं इससे आप जीत जाइएगा, बट यूनिटी होना चाहिए। दूसरी बात है जो इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए, कम से कम 40,000-50,000 इसमें आदि होना चाहिए, व्यू होना चाहिए। अगर 40,000-50,000 अगर इसमें व्यू होता है तो उसके बाद फिर से हम वकील से बातचीत करेंगे, हर चीज़ करेंगे, उनको बोलेंगे देखिए यूनिटी है, इस वीडियो में 40,000-50,000 स्टूडेंट देखा, तो इसलिए यूनिटी एक साथ है, इसलिए आप मेरा को आदि केस को लड़िए। जो हम वकील से बातचीत किए, पटना के जाने माने वकील हैं, हम आपको क्या बोले थे, जो लाइव ख़त्म होगा उसके बाद सारा प्रोसेस में हम लग गए, जितना नियमावली 2014, 2012, 2011, 2016, 2018, 2022 जितना नियमावली है सभी नियमावली के इकट्ठा किए, उसके बाद वकील को दिखाए सारा चीज़ है, उनको बोले ऐसे ऐसे बात है, तब वह बोले हाँ ठीक है सारा चीज़ आप बताए वो सब ठीक है, बट यूनिटी आपको होना चाहिए। यूनिटी में अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तब आप केस जीत जाइएगा, नहीं धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं 200-250 बच्चा अगर नहीं भी 200-250 बच्चा कुछ नहीं होने पड़ेगा, कम से कम 30,000-40,000 स्टूडेंट अगर यूनिटी में आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तभी केस जीत पाएंगे। हाँ बोले यह वीडियो आप बना के चलाइए, कम से कम वीडियो में देखेंगे कितना जो है व्यू आता है, कम से कम 40,000-50,000 अगर इसमें व्यू आता है तब हम सोचेंगे, तब हम आपका केस लड़ेंगे, तो सोच सकते हैं। तब इस पर आप पर डिपेंड करता है, आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, इस वीडियो को कितना आप लोग व्यूज पुराते हैं। कम से कम 40,000-50,000 स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख लिया तब जो हम पटना के जाने माने वकील है, इससे पहले भी BTSC JEE का वो वैकेंसी लड़ा था और वैकेंसी जीता था BTSC JEE का, वो आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं जो है लड़ा केस और नहीं हारा है बिहार सरकार से, कोई भी ऐसा केस अभी तक वो नहीं हारा है, और पटना के जाने माने वकील है। तो बोले हैं आप एक वीडियो बना कर चढ़ाइए, सारा चीज़ उनको दिखाइए, कम से कम 40,000-50,000 स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख लिया तब हम आपका केस ले लेंगे, और फिर भी आपको यूनिटी बना के आपको लगातार धरना प्रदर्शन करना है। कम से कम 40,000-50,000 स्टूडेंट, 200,000 स्टूडेंट अगर धरना प्रदर्शन पर डे नहीं किया तब फिर दिक्कत है। तो दोस्तों यह आप पर पड़ता है, या आप लोगों को क्लियर कीजिएगा जो आप लोग कितना स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं और कितना स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करते हैं। इस वीडियो में अगर 40,000-50,000 व्यू आता है
तो केस वह हम लोग को लड़ेगा। हम पहले आपको बता दिए, हम आपके साथ है, हर चीज़ है, सारा चीज़ उनको दिखाने के बाद यही निष्कर्ष निकल के आया है। इस वीडियो पर आप डिपेंड करता है कि आप लोग कितना 40 से 50 हज़ार व्यू पुराते हैं या नहीं पुराते हैं। 40 से 50 हज़ार व्यूज पूर गया तो वह केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और केस हम लोग 100% जीतेंगे। और आप लोग को यूनिटी बना है, हम आपको बोले थे कि PST का इसके टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन किए और टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइए। तो यूनिटी में नहीं रहिएगा तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही फिर दिक्कत है, क्योंकि पटना के जाने माने वकील से हम बातचीत किए, आपको दिखा दिए सारा चीज़ जो कहाँ कहाँ से कौन डाटा इकट्ठा किए हैं, सारा के सारा हम आपको नियमावली दिखाए हैं कौन सा नियमावली कब बना, क्योंकि सुबह से यही में लगे हुए हैं। अभी जाके क्लियर हुआ है, अभी जाके वकील से बातचीत किए हैं तो वकील बोले हैं ठीक है हम लड़ेंगे केस, बट एक वीडियो बना के आप यूट्यूब पर चढ़ाइए। आप कहते हैं ना बहन आपके साथ है तो कम से कम 40 से 50 हज़ार व्यूज आना चाहिए इस वीडियो में, उसके बाद ही हम आपका केस ले पाएंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता दिए, अब निर्भर आप लोग पर करता है आप लोग क्या करते हैं। ये जाने माने वकील से अपना केस लड़वाते हैं तभी हम लोग जीत पाएंगे, छोटा मोटा वकील से हम लोग केस लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो पर डिपेंड करता है, जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 40 से 50 हज़ार व्यूज पुराइए। थैंक यू।